एक प्रश्न है कि सर, जब हम योग में बैठते हैं तो हम जैसे संपूर्ण एकाग्रता के साथ योग लगा रहे हैं, लेकिन बीच में कई बार सर ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत अलग सी शक्लें आ जाती हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं परमात्मा को विजुअलाइज करने की, परमात्मा को देखने की, पर हमारे सामने बहुत भिन्न भिन्न चेहरे आते हैं और फिर जब हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। तो सर आप इसको कैसे हम ठीक करें, क्या मतलब इशू है हमारे योग में? ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि बैठते हैं योग के लिए, लेकिन अलर्टनेस उतनी नहीं रहती है। हम बैठते हैं ना योग में, तो कई बार निद्रा और तंद्रा, ये दो चीजें हमें पकड़ लेती हैं। जब निद्रा और तंद्रा आती है, तो आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर आप लेटे भी हुए हैं और सब कॉन्शियस में, आप मतलब स्वप्न के जगत में, इसको जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, मनोविज्ञान वाले, वो कहते हैं हेलुसिनेशंस। इसको क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशंस। तो कई तरह की हमें हेलुसिनेशंस उस वक्त होनी शुरू होती हैं, जिसका कोई सिर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता। हम कुछ का कुछ देखते हैं और उसको याद करना चाहें, कई बार याद भी नहीं आते, लेकिन उतनी देर के लिए हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और जिस मिशन के लिए बैठे थे, वो मिशन हमारा पूरा नहीं होता। तो ये हमारे भीतर जो सबकॉन्शियस में भरा पड़ा है, बहुत जन्म जन्मांतर का कोई अनुभव। जैसे मान लो, हम लोग वैसे तो कभी उड़ते नहीं है ना, लेकिन हमारे नो भीतर पक्षियों को हमने उड़ते देखा हुआ है, जहाज को उड़ते देखा हुआ है, हमारे मन के अंदर वो चीज रह जाती है। इस तरह के कई भाव हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे भीतर हैं। तो वो जब सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है हमारा, तो उस वक्त वो कई तरह के जो उनके है ना, डिफरेंट पार्ट्स कह लो, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो वो आपस में मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो वो दिमाग के अंदर, जैसे हम कई बार सपने भी देखते हैं कि अभी आप कुछ कुछ अपने को देख रहे हो, थोड़ी देर बाद देखते हो ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो और कोई है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हो कुछ और बन गया है। तो स्वप्न के अंदर कई तरह के हम लोग इमेजिनरी चीजें देखते हैं, लेकिन उनका भी कोई ना कोई फाउंडेशन जरूर होता है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे पूर्व जन्मों में हो, चाहे हमने एनिमल्स को देखा है, चाहे किसी को देखा है। तो यही चीज तो साधना में विघ्न है सबसे बड़ा, कि हम बैठते किसी और काम के लिए हैं। इसी को क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं, इसी को कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस में क्या होता है कि आपके भीतर जो भरा हुआ है, वो धीरे धीरे निकलना चाहिए। कई लोग इसके लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। आपने देखा होगा, कई मेडिटेशन में लोग जाते हैं तो कहीं डांस करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, फिर कोई रोना शुरू कर देते हैं, कोई हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कई तरह की स्थितियां आती हैं, क्योंकि अंदर बहुत भरा पड़ा है। आप देव वैसे भी, जैसे कोई डिप्रेशन का केस होता है, आप उनसे जब बात करते हो तो बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं। वास्तव में उनसे अगर डिटेल में बात करोगे, तो उनको खुद कोई कारण नहीं पता होता कि मेरे को ये स्थिति क्यों हुई है। सेल्फ एनालिसिस करके भी पकड़ में नहीं आती चीजें। लेकिन कई बार मैंने, जैसे उस दिन भी बताया था, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म की ओर, पिछले जन्म की ओर लेके जाते हैं कई बार। कई प्रॉब्लम्स के सीड वहां भी मिलते हैं हमारी। तो हम लोग कहते हैं ना, भी कॉन्शियसनेस तो 10% भी नहीं है, कॉन्शियस लेवल सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस बाकी भरा पड़ा है। तो मेडिटेशन में हमें इनसे मोक्ष मिलना चाहिए, और वो इसीलिए इट टेक्स सो लॉन्ग ए टाइम। लंबा समय क्यों लगता है साधना तपस्या में? और कई लोग तो इस डर के मारे कि जब योग में बैठते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है, तो वो कहीं बैठते ही नहीं। वो कहते हमें तो ऐसे होने लगता है, ऐसे होने लगता है, ऐसे होने लगता है।
हमने ऐसे कई केस देखे हैं जो मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन घबराना नहीं है। बाबा भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें कई बार आएंगी कि बूढ़े को भी जवान बना देंगी, मन में ऐसे ऐसे भाव बना पैदा हो जाएंगे। और कई क्या भाव किस वक्त पैदा हो जाए, नोबडी नोस। तो इसलिए ये कैथारसिस मेडिटेशन में होना ही है। अगर आप संसार की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें आने नहीं जा रही हैं। ये कब आएंगी, जब आप मन का सामना करेंगे, व्हेन यू आर फेसिंग योर योर सेल्फ, अपने आप को फेस करते हैं। और सबसे मुश्किल काम है ये, अपने आप को फेस करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। आदमी खुद को ही फेस नहीं करना चाहता, इसलिए अवॉइड करता है। खुद को ही अवॉइड करने के तरीके हमने बहुत निकाल लिए, वो है डाइवर्शन ऑफ माइंड। मन को कभी इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। सबसे लोगों को कठिन क्या लगता है, मेडिटेशन में बैठना। मैं 1 घंटा लेक्चर कर लूं तो लोगों को बहुत ठीक लगेगा। 15 मिनट अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि जल्दी खत्म करें। कई लोग क्या चाहते हैं, ये जल्दी खत्म हो। एक तो प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा जो है अपना सामना करना पड़ता है, खुद का सामना करना पड़ता है। और हम लोगों ने अंदर जब भरा था तब तो सोचा नहीं था कि ये बाद में तंग भी कर सकता है, लेकिन अब लाइफ में जब हम मेडिटेशन बैठते हैं तो वहां तो दर्पण है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तो उसमें जो भी है सफेद काला सब नजर आएगा, पाप पुण्य सब नजर आएंगे। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो आपका प्रश्न है उसमें कई तरह के हेलुसिनेशंस, कई तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस, कई तरह के पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और कई तरह के ट्रॉमास भी जो है कईयों को होते हैं, वो सारे प्रकट रूप में होने लगते हैं। कई बार हम लोगों को उनके कारण भी पता नहीं होते, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आती हैं। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लेट देम कम, आने दो, और आप अपने मिशन पे काम करो। उसको इग्नोर करना है, साक्षी होना है। कोई भी चीज जब आप उसको वैल्यू नहीं देते तो वो ढह जाती है, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ना शुरू कर दिया या पकड़ना शुरू कर दिया तो आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा उससे। यू नीड टू बी विटनेस ऑफ योर थॉट्स, यू नीड टू बी द विटनेस ऑफ योर इमेजिनरी वर्चुअल फिगर्स या पिक्चर्स जो भी आपने बनाई या बन गई, उनसे आपको निजात पानी है। वो ये है कि कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स मेडिटेशन। और इसलिए लोग पहले क्या करते थे कि खुद को संसार को एक्सपोज ही नहीं होने देते थे, उसके लिए क्या करते थे, क्या जंगल में चले जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, ताकि इस लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस ही हमारे भीतर भरे ही ना। क्योंकि हम जो मेडिटेशन में बैठेंगे नहीं तो कुछ वो आ जाएंगे, कुछ सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ जन्म जन्मांतर का कीचड़ा भरा है वो प्रकट होने लगेगा, तो फिर हम घबरा जाते हैं। हम आज जो भी हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मेमोरीज का रिजल्ट है, पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है। कोई हम ये नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू हम पैदा हो गए। हम जो भी हैं अपने कारण है, हमने जो जो किया है उसका रिजल्ट हमें आज भोगना पड़ता है। तो वो सबकॉन्शियस पे भी होता है, कॉन्शियस पे भी होता है, और नींद में भी होता है, मेडिटेशन में भी होता है। लेकिन जो साधक साधना में निरंतर तत्पर रहते हैं वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये समझ लो, दूसरे शब्दों में ये रास्ते के साइड सीन्स हैं, इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। अगर आए भी तो भी अपना लक्ष्य बुद्धि में जो है कि हमें किस पे फोकस करना है, हमें परम पिता परमात्मा पे फोकस करना है। अपने मन मनोवृत्तियों को मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, तो मन को परमात्मा में लगाना है। तो
तो हम उसका कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट जारी रखें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।